बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत अरसे के बाद व्लॉग बना रही हूँ और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। वैसे तो अब मैं बहुत कम व्लॉग्स बनाती हूँ, स्पेशल ओकेजन्स पे ही बनाती हूँ मोस्टली। तो लेकिन आज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, आज है 3rd of June। तो आज है मेरे छोटे बेटे की बर्थडे मोहम्मद मुर्तज़ा की, उसकी फ़र्स्ट बर्थडे है आज। और आज का व्लॉग इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये फ़र्स्ट व्लॉग है जो आप हमारे घर से देख रहे हैं, वरना मोस्टली जो भी व्लॉग्स मैंने बनाए हैं वो मामा की तरफ, मतलब उधर ही होते थे हम लोग, तो वहाँ भी बने हुए हैं। तो आज का व्लॉग इसलिए भी स्पेशल है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फ़िलहाल गार्डन में हूँ और वेदर बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है आज। काफ़ी दिनों से, अब तो यूके में वेदर बहुत अच्छा है। ये देखिए माशाल्लाह धूप निकली हुई है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम बर्थडे का सारा इवेंट गार्डन में करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग बलून आर्च वगैरह बनाने लगे हैं और भी सारी सेटिंग्स वगैरह करेंगे, आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं अंदर जाती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ कि मामा क्या बना रही हैं। चलते हैं किचन में। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में। जी मामा बताएं क्या बना रही हैं आप? मैं चना चाट बना रही हूँ। ये देखें, ये चना चाट बहुत ही मज़े की लग रही है, तकरीबन तैयार हो गई है। ओके, और मामा बताएं फिर क्या क्या मेन्यू में आज? आज बिरयानी होगी, चना चाट, ड्रम स्टिक होगी जी, और ये बारबेक्यू वाला तो बाहर ज़्यादा जो करना है सारा कुछ है। वो मामा ने सारा कुछ ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था। डिजर्ट होगी, डिजर्ट है, मैंगो डिजर्ट है। ये देखें पाकिस्तानी मैंगोज फ्रेश आए हैं। फ्रूट प्लेटर होगा, ये सारे फ्रूट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ये फ्रूट प्लेटर बनाना है मामा ने। तो फिलहाल अभी हम बाहर जाने लगे हैं ना मामा, आर्ट्स बनाने के लिए। आर्ट्स बनाना है अभी, ये बस ये रेडी होगी। और तो अभी तो ऐसे स्ट्रॉबेरी मॉकटेल भी बनानी है, बहुत कुछ है मेन्यू में, तो आपको फिर साथ साथ दिखाते रहेंगे बनाएंगे जब, और जब बाहर टेबल पे सारा कुछ रखेंगे फिर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फाइनली हमारा आर्ट रेडी हो गया है। मैंने सोचा आपको सबसे पहले दिखा दूं इसकी फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह वेदर इतना प्लेजेंट है तो इसीलिए हमने कलरफुल सा आर्च बनाया है। ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है, आपको साइड से भी दिखाती हूँ। ये है इसकी फुल लुक। तो आर्च बनाने से पहले मैं, मुस्तफ़ा और इनके बाबा गए थे हम लोग केक पिक करने, वो मैंने क्लिप नहीं बनाया, वहाँ पे हम जल्दी जल्दी में थे बस। तो अभी आर्च बनाया, अब किचन में जाके थोड़ा सा काम करना है, फिर इंशाल्लाह बच्चों को रेडी करते हैं। अभी राइस डाले हैं मामा ने इसमें, और अब ये बिरयानी का मसाला ऐड करने लगी हैं। ये आज मामा ने देगी बिरयानी बनाई है, तो अब टेस्ट करके देखेंगे कैसी बनी है। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आई है इसकी। इसको पहले मैरिनेट किया था मामा ने सारे मसाले वगैरह डाल के, तो ये आज डिफरेंट थोड़ी बिरयानी बनाई है मामा ने। अब यहाँ पे कलर ऐड कर रही हैं। फिर क्या क्या डाला मामा आपने? ऊपर से डालेंगी मामा ये स्लाइसेस टमाटो के, ये अनियन, और मेरा ये सबसे फेवरेट पार्ट है ये होता है मिंट, जो पुदीना यहाँ पे जो मामा डालती है ना ऊपर, इसकी स्मेल इतनी अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी बिरयानी के फ्लेवर को ये इन्हांस करता है। अब इसको दम पे रखेंगी आप मामा? फोन लगा। अब मामा ये फॉइल लगाने लगी ऊपर, तो ये रेडी है बिल्कुल। यहाँ पे मामा फॉइल लगाने लगी थी तो मामा को याद आया कि ग्रीन चिलीज तो डाली नहीं है हमने,
तो ये साथ में ग्रीन चिलीज भी ऐड करती हैं। और अब इसको दम लगाने लगी मामा। यहाँ पे अब साथ ही मामा ने ये शामी कबाब बर्गर्स बनाए हैं, ये भी रेडी हो गए हैं सारे। अब मामा क्या बनाना है आपने? अब ड्रमस्टिक बनानी है, चिकन ड्रमस्टिक्स बनानी है। ये रेडी है, इनको ले जाओ उधर। ओके अब मामा यहाँ पे बना रही है चिकन चीज ड्रमस्टिक्स, ये यहाँ पे फ्राई हो रही हैं। अभी मैंने बनाई है स्ट्रॉबेरी मॉकटेल बनाई है मैंने, अब सैलड बनाऊंगी, फिर मैं और मामा फ्रूट प्लेटर बनाएंगे। जी मामा निकाल लें, आप फ्रूट प्लेटर भी बन गया माशाल्लाह से, देखें बहुत ही कलरफुल और प्यारा सा लग रहा है, सारे फ्रूट्स ऐड किए हैं ऑलमोस्ट। ये देखें, और मैं बहुत सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मामा को बस ये है कि सारा काम मतलब ऑलमोस्ट ऑन टाइम हो जाए, और फिर अभी बच्चों को भी रेडी करना है मामा ने और मैंने। टेबल डेकोरेट हो गया है और ये मामा ने स्पेशल ड्रिंक्स बनाई हैं बच्चों के लिए, ये मैंगो डिज़र्ट्स हैं, ये जेलीज हैं इधर बच्चों के लिए बड़ी, और ये फ्रूट प्लेटर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये देखिए हमारा प्यारा सा केक। ये देखें, ये इस तरह कैंडल की लाइट्स भी ऑन होती हैं लेकिन अभी धूप है तो आई थिंक इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही। अब आपको दिखाते हैं बर्थडे बॉय, ये देखिए आ गया जी माशाल्लाह बर्थडे बॉय हमारा मुर्तज़ा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कम ऑन क्लैप क्लैप करो, क्लैप करो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मुर्तज़ा, क्लैपिंग करो ना, क्लैपिंग कर दे, हैप्पी बर्थडे टू यू, और ज्यादा नहीं करनी क्लैपिंग, फिर करो हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग कर दो थोड़ी सी, नो 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 गिरना नहीं, नो नो। अच्छा और ये मुर्तज़ा की नानों ने उसका गिफ्ट दिया है बर्थडे का, ये मुर्तज़ा के नानकों की तरफ से आया है गिफ्ट, ये एक चेयर, ये देखें, ये आपका गिफ्ट है, ये आपका गिफ्ट है, हे आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे आज? आ गए मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसकी भी ड्रेसिंग बहुत प्यारी लग रही है। मुस्तफ़ा चलाओ बाइक, आओ आगे, माशाल्लाह, आओ आओ आ जाओ आगे। मुर्तज़ा इधर देखो, ओ हेलो बाय। Happy birthday to you. Happy birthday dear Murtaza. यहाँ पे ये बारबेक्यू हो रहा है, लैम चॉप्स हैं, साथ में चिकन टिक्का है और फिर सीख कबाब है। यहाँ पे अब सीख कबाब और टिक्का बोटी है। जी मामा, आज नेक्स्ट डे है तो कल हमने बर्थडे लाइक सेलिब्रेट होगी है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन रहा सारा कल, लेकिन कल ज़्यादा फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं मैं कर पाई आगे, बच्चों के साथ बिजी हो गए थे हम, तो मैंने सोचा आपको रूम से मैं थोड़ा आर्च दिखा रही है, देखें हमारा आर्च, बाकी तो सारी चीज़ें उठा ली हैं, अभी ग्रिल नीचे पड़ी हुई है
और आज वैसे ही मामा कह रही थी अब लगा रहने दे, बच्चे थोड़ा प्ले कर लेंगे नीचे जाके, अब इनको गार्डन में लेके जाएंगे तो फिर ये खेल लेंगे थोड़ी देर। और साथ में मैंने सबका थैंक यू भी बोलना था, जिस जिसने कल मुर्तजा को विश किया है। मैंने कल तकरीबन, कल तो सारा दिन मैं नई मैसेजेस देख सकती, वीडियोस वगैरह देख सकती, लेकिन रात को फिर मैंने सबको रिप्लाई किया है। और यहाँ पे भी मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। अब मैं करने लगी हूँ इनके गिफ्ट्स ओपन। और मुर्तजा का जो गिफ्ट था, जो उसके मामू दोनों अब्बू जी और अम्मी जी की तरफ से था, वो तो मैंने कल आपको दिखा दिया था। ये इनके दोनों की ड्रेसेस भी साथ में लेके आई थी मामा, ये इनको अब ईद पे पहनाएंगे हम। और इनके अब देखते हैं, गिफ्ट्स ओपन करते हैं। जो मैंने इनको गिफ्ट लेके दिया है, वो इसके लिए मैंने स्कूटी मंगवाई थी, LED लाइट्स वाली, बहुत प्यारी है वो भी। लेकिन वो मुस्तफ़ा ने पहले ही ओपन कर लिया, आजकल मुस्तफ़ा का उस पर दिल आया हुआ है। तो अब देखते हैं ये लोग अपने गिफ्ट्स ओपन करते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए आज सारी क्लैपिंग हो रही है मुर्तजा की, और कल रो रहा था ये। मुर्तजा मुर्तजा बातें करो इसके साथ, मुस्तफा आप बातें करो, जाओ सामने भाई के साथ। आराम से ये किसका है? नो no, बेबी का है, बेबी है। बेबी का ये किसका गिफ्ट है? गिफ्ट किसका? बेबी का गिफ्ट है ये तो। ये देखें जी मुर्तजा को, आराम से उन्होंने इतनी मेहनत से पैकिंग की हुई है। मुर्तजा से ज्यादा एक्साइटेड मुस्तफा लग रहा है मुझे। मुर्तजा इसमें म्यूजिक है? म्यूजिक, आराम से मुस्तफा। वो देखो बेबी को भी प्ले करने दो ना आप साथ में। हाँ जी, आर यू हैप्पी हैप्पी? और ये साथ में ड्रेस है। मुस्तफा बेबी को भी दो ना बच्चे। मुस्तफा सबको बोला थैंक्स। इधर मुंह करके, इधर काला मुंह कर, इधर देखो तो। थैंक्स। आपको गिफ्ट अच्छे लगे? गिफ्ट अच्छे अच्छे ना। तो बेबी को भी दो ना, ऐसे नहीं करते। मुर्तजा मुर्तजा बाय बाय कर दो। बाय बाय नहीं करना। ओह नो बेबी, नाइस नाइस लग रहा है बेबी। ऐसे पकड़ो, ये भी नाइस है। नाइस, चलो व्लॉग एंड करें ना। आज व्लॉग का एंड मुस्तफा और मुर्तजा से करवाते हैं। चलो मुस्तफा बोला अल्लाह हाफिज, बोलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय कर दो ना सबको। ओके जी, अल्लाह हाफिज।